झारखंड में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। वहीं धनबाद में दोनों कोरोना मरीजों के लगातार दो टेस्ट नेगेटिव आने के बाद उन्हें अस्पताल से तालियों के बीच विदा किया गया। दोनों मरीजों को कोविड-19 अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है, लेकिन एहतियात के तौर पर उन्हें होम क्वारंटीन में ही रहने की हिदायत दी गई है। कोविड-19 अस्पताल से डिस्चार्ज होने के दौरान सेंट्रल हॉस्पिटल के चेयरमैन BCCL CMD उपायुक्त धनबाद विधायक राज सिन्हा समेत तमाम मेडिकल स्टाफ मौजूद थे। BCCL के CMD PM प्रसाद ने कहा कि मेडिकल स्टाफ की मेहनत और लोगों की दुआओं का नतीजा है कि गंभीर महामारी के चपेट में आए दोनों मरीज ठीक हो गए हैं। बड़ा खुशी का दिन है कि दोनों पेशेंट हमारा दो सेकंड इसमें भी नेगेटिव हो गया एंड दे आर बीइंग डिस्चार्ज। वी आर आल्सो वेटिंग फॉर DC एंड उसके बाद जो फॉर्मेलिटी हो गया। तो BCCL अभी तो बदस्तूर जारी रखेगा अपना इसको सेंट्रल हॉस्पिटल का रखेगा, बट वो ईश्वर से प्रार्थना है कि धनबाद में ही मई महीना में जो है एक भी केस न आया। वहीं धनबाद के विधायक राज सिन्हा ने कहा कि वहां के डॉक्टरों और मेडिकल स्टाफ सहित तमाम लोगों का इस महामारी के रोकथाम में योगदान रहा है। नहीं, बहुत थे धनबाद के लिए और फिर एक बार धनबाद ने इतिहास कायम किया। धनबाद में दोनों जो पॉजिटिव आए थे वे दोनों नेगेटिव हो गए और आज यहाँ से यह विदाई हो रही है। और मेरा पूरा अनुमान है कि यह जो कोविड हॉस्पिटल है इसके बाद खाली रहेगा धनबाद, और कोई दूसरा पेशेंट यहाँ नहीं आएंगे, मेरी ऐसी पूरी मेरा पूरा विश्वास है। और इसमें जितने भी हमारे जो सफाई कर्मी से लेके नर्सेज हैं, पैरामेडिकल स्टाफ हैं, डॉक्टर्स हैं, प्रशासनिक पदाधिकारी हैं, पत्रकार मित्र हैं, सब लोगों का योगदान इसमें बहुत रहा। और जिस प्रकार से जागरूक धनबाद रहा और धनबाद के सब लोग प्रयास कर रहे हैं कि अपना जो लॉकडाउन की जो आवश्यक कार्य हैं उनको करें, दूरी मेंटेन करें, मास्क पहन के निकलें, और इसलिए इन सब प्रिकॉशंस के चलते और ख़ास करके ऊपर वाले के आशीर्वाद से, सब लोग की मेहनत से, सब लोग की शुभकामना से यह दोनों पॉजिटिव आज निगेटिव होके जा रहे हैं। आपको बता दें कि झारखंड में सोमवार को 20 नए कोरोना मरीज सामने आए हैं, जिसके बाद कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर 103 हो गई है। धनबाद से न्यूज के लिए नीरज कुमार की रिपोर्ट।